हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से है, और ये डीसी जनरेटर का ही पार्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, उस बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचेंगे। डीसी जनरेटर जो है हमारा एक्साइटेशन के बेस्ड पे डिवाइड किया गया है। तो एक्साइटेशन जो है हमारा दो तरह का होता है। सबसे पहला है सेपरेटली एक्साइटेशन, और इसी के कारण हमारा नाम रखा गया है डीसी जनरेटर का, जिसको बोलते हैं हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। दूसरा एक्साइटेशन है हमारा सेल्फ एक्साइटेशन, और इसी बेस्ड पे हमारा दो तीन मशीन आता है, यानी तीन जनरेटर आता है। सबसे पहला है डीसी शंट जनरेटर, दूसरा है हमारा डीसी सीरीज, और लास्ट है हमारा कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेपरेटली के बारे में समझ जाते हैं। देखिए, पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं। डीसी जनरेटर जो है हमारा किस तरह से काम करता है, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं, तो उस बेसिस पे क्या होगा, हमारा ये फ्लक्स कट करता है, यानी डी फाई बाई डी टी यहाँ पे होता है। अब फ्लक्स कट करने के कारण हमारा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो होता है, और इसी के कारण हमारा क्या होता है, पूरा पूरा जनरेटर काम करता है। एक तरह से फ्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेपरेटली एक्साइटेशन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे किसी भी जनरेटर के लिए मेन क्या है हमारा, फील्ड बनाना। तो सेपरेटली एक्साइटेशन में जो हम लोग फील्ड बनाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ये हमारा सिंपली अलग से एक बैटरी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो रेजिस्टर होता है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टर इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग फील्ड करंट यानी IF वैल्यू कंट्रोल कर सकें, यानी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकें। अब IF हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, उस बेसिस पे हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा फील्ड बनाने का कोई भी झंझट नहीं होता है सेपरेटली एक्साइटेशन डीसी जनरेटर में। अब हमारा फील्ड बन गया, अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आर्मेचर रखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम मूवर से रोटेट करवाते हैं। उस बेसिस पे हमारा फ्लक्स कट करता है, फ्लक्स कट करने के कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हमारा करंट मिलता है। लेकिन वही अगर हम लोग सेल्फ एक्साइटेशन की बात करते हैं, तो सेल्फ एक्साइटेशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे बिल्डअप होता है वोल्टेज, यानी वोल्टेज कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी आप सोलेनोइड प्रिंसिपल का यूज़ कीजिएगा, सोलेनोइड प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी मैग्नेटिक कोर के ऊपर, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, आप कंडक्टर को यानी कॉइल को इस तरीके से लपेट करके इसके अंदर सप्लाई देते हैं, यानी करंट देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा ये मैग्नेट बन जाता है, नॉर्थ एंड साउथ बनता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं इस बैटरी को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, तो बैटरी को रिमूव करने के बाद भी यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ रहता है, यानी मैग्नेट बचा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। कहने का मतलब, अगर ये बैटरी पहले से लगा हुआ था, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फ्लक्स का वैल्यू 10 वेबर था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ने यहाँ से बैटरी को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2 वेबर। तो ये जो 2 वेबर है ना, इसी को कहते हैं हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल्फ एक्साइटेशन डीसी जनरेटर के लिए। इसी पे हमारा जनरेटर स्टार्ट होता है, अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा तो वो फेल हो जाएगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक मशीन के बारे में समझ लेते हैं, शंट यानी डीसी शंट जनरेटर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, शंट का मतलब होता है पैरेलल, और पैरेलल मतलब यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग यूज़ करेंगे वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो ये मान लेते हैं हमारा ब्रश हो गया, ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर के अंदर कॉइल रहता है, कॉइल के कारण हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं आर ए, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगेन वाइंडिंग यूज़ करते हैं, तो वाइंडिंग के कारण हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं RF यानी फील्ड वाइंडिंग यानी फील्ड रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा इसको बोलते हैं IF यानी फील्ड करंट। और यहाँ से हम लोग लगाते हैं लोड, ठीक है। यहाँ पे जो भी करंट आएगा इसको बोलते हैं हम लोग IL, IL कहने का मतलब लोड करंट, और यहाँ से जो हमारा करंट इंड्यूस होगा इसको बोलते हैं IA यानी आर्मेचर करंट। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए,
ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग बेसिकली टर्मिनल पे जो भी करंट आता है ना, उसी में से कुछ ना कुछ हिस्सा इस फील्ड के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आइए मान लेते हैं अभी मेरे पास 10 एम्पियर है, ठीक है। तो ये 10 एम्पियर यहाँ तक जाएगा, कुछ ड्रॉप होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा। तो 10 एम्पियर में से कुछ ना कुछ हिस्सा, मान लेते हैं 2 एम्पियर जो है ये फील्ड में चला गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। 2 एम्पियर इस फील्ड में चला गया और 8 एम्पियर जो है लोड पे चला गया, यानी आईए को हम लोग लिख सकते हैं आईए प्लस आईएल, ठीक है। अभी ये सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब देखिए, मान लेते हैं ये हमारा जनरेटर है जो कि कल शाम में चला था और रात भर बंद रहा, ठीक है। और हम लोग अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं यानी इस जनरेटर के अंदर कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा होगा। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, इसका मतलब फाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। और फाई यहाँ पे आर ई एस मतलब रेसिडुअल, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी रेसिडुअल फ्लक्स का जो वैल्यू है ये 5 वेबर है इस मशीन के अंदर अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि सोलेनाइड का प्रिंसिपल होता है, ये कुछ ना कुछ फ्लक्स वहाँ पे बचा ही रहेगा। अब देखिए, ये हमारा मैग्नेट फील्ड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन होगा यानी जो फील्ड होगा बहुत ही वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू बहुत ही कम है। फिर भी यहाँ पे अगर हम लोग इस मशीन को यानी इस जनरेटर को रेटेड स्पीड पे रोटेट करवाएंगे तो हमारा फ्लक्स कट करेगा। अरे भाई, फ्लक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ पे, तो उस बेसिस पे हमारा क्या होगा, फ्लक्स कट कर रहा है, फ्लक्स कट कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो ईएमएफ भी हमारा वीक होगा। ईएमएफ वीक है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो भी बहुत ही मतलब लो होगा। इसीलिए स्टार्टिंग केस में हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिलेगा लोड के पास या फिर वोल्टेज टर्मिनल के पास, ये 1 वोल्ट से 2 वोल्ट तक ही मिलता है। और ये जो वोल्टेज होता है ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ही मिलता है, ठीक है। यानी अभी मान लेते हैं ईएमएफ जो है हमारा ये 2 वोल्ट नहीं तो फिर 1 वोल्ट होगा। अब देखिए, वोल्टेज कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना यहाँ पे 1 वोल्ट 2 वोल्ट तो आ ही रहा है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे हमारा करंट भी आएगा। ये मान लेते ओपन है अभी, ठीक है, ये ओपन है तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, तो इस वोल्टेज के कारण कुछ ना कुछ तो करंट होगा ना। तो करंट अभी पूरा कहाँ पे फ्लो होगा, इसके अंदर फ्लो होगा, ठीक है, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लो होगा। अब देखिए, पहले से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, अभी हमारा एक और करंट आ गया, तो करंट आ गया तो फील्ड का कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज होगा। पहले 5 वेबर था, अब मान लेते हैं हमारा 8 वेबर हो गया, ठीक है, 8 वेबर हो गया। यानी ये जो फील्ड लाइन है ये और थोड़ा स्ट्रांग हो गया पहले से। अब यहाँ पे फिर से ये कट करेगा, फिर से कट करेगा, तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा इसका ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा होगा कहने का मतलब, पहले 2 वोल्ट था, मान लेते हमारा 10 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे अब कितना वोल्ट मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है। तो 10 वोल्ट के कारण अभी इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो हाई होगा, यानी करंट का वैल्यू यानी फील्ड करंट का वैल्यू अभी इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 6 एम्पियर 7 एम्पियर कुछ भी हो, यानी फील्ड करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। फील्ड करंट यानी आईएफ इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब फिर से ये कट करेगा तो उस बेसिस पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फिर से आईएफ यानी यहाँ पे जो आईए होगा, आईए इंक्रीज होगा, आईए इंक्रीज होगा तो वही तो करंट हमारे इसके अंदर जा रहा है ना, तो उस बेसिस पे हमारा फिर से आईएफ इंक्रीज होगा, आईएफ इंक्रीज होगा फ्लक्स हमारा इंक्रीज होगा। तो इसी तरीके से ये फेनोमेना जो है बहुत बार रिपीट होता है, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमारा पूरा क्या है, जो भी लोड लगा रहेगा यहाँ पे टर्मिनल लोड, उसको ये पूरा कैरी कर लेता है, ठीक है। तो ये हुआ किस तरीके से सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो है काम करता है, चाहे वो शंट हो या फिर हमारा सीरीज हो, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं, ये तो बेसिक हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ओम्स लॉ के हिसाब से पता होगा वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर, और ये जब हमारा ये साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू का साइन लगेगा, जिसके कारण हमारा क्या होता है, कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा आई ए यानी वी इक्वल टू आई इन टू आर। अब देखिए, अब हमारा ये जनरेटर है, ये शंट जनरेटर है, ठीक है, इसको मैंने दूसरे वे में समझाने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाया। ये हमारा आर्मेचर हो गया, इसी आर्मेचर से हमारा करंट फील्ड के अंदर जाएगा और ये लोड के अंदर जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आपको अगर ये फिगर नहीं समझ में आना तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, इससे पहले वाला जो फिगर है वो बेस्ट है। देखिए, यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है कि ये हमारा वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है, वाइंडिंग किया हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग वायर यूज़ कर रहे हैं, कॉपर यूज़ कर रहे हैं, और हर एक वायर का अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है कि
जब आप ग्राफ बनाइए ओम्स लॉ का वोल्टेज और करंट के बीच में, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना ये, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप बनाइएगा तो ग्राफ, तो ये रेजिस्टेंस का कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अभी इस ग्राफ को हम लोग फिर से बनाते हैं, लेकिन दूसरे केस में। ये मान लेते हैं हमारा ई जी है, ई जी कहने का मतलब जनरेटेड ई एम एफ, और ये है हमारा आई एफ यानी फील्ड करंट, और ये जो बीच में लाइन जाएगा ये है हमारा रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, तो फील्ड का रेजिस्टेंस, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन। अब देखिए, अभी हमारे जनरेटर में क्या है, कुछ वैल्यू है फ्लक्स का, जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल फ्लक्स। यहाँ पे मान लेते हैं 5 वेबर, 5 वेबर हमारा रेसिडुअल फ्लक्स है। तो इस फ्लक्स के कारण अभी हमारा प्राइम मूवर से हम लोग रोटेट करवा रहे हैं इस आर्मेचर को, ये आर्मेचर हमारा रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स कट कर रहा है, फ्लक्स कट कर हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो रेसिडुअल फ्लक्स करने के कारण यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, है ना, ये इस तरीके से जाता है। ये जो वोल्टेज है इसको मान लेते हैं ये है हमारा 5 वोल्ट, ठीक है। ये जो वोल्टेज मिला किसके कारण मिला, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण मिला। अब देखिए यहाँ पे ई जी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स और स्पीड के ऊपर। ये साइन को हटाएंगे तो ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगता है के फाई, उसके बाद हमारा स्पीड। अभी जो फ्लक्स है ये क्या है, रेसिडुअल फ्लक्स के कारण है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस रेसिडुअल फ्लक्स के कारण, जो वोल्टेज होगा यानी ई जी जो होगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 वोल्ट, नहीं तो फिर 2 वोल्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि अब यही वोल्टेज के कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट हुआ, अब इस वोल्टेज अगर फिर से करंट जाएगा यहाँ पे, तो हमारा फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी आई एफ इंक्रीज होगा, आई एफ इंक्रीज होने के कारण फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसी तरह से रिपीट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ दिखा रहा है, मान लेते इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारा ये बनेगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज कुछ होगा 6 वोल्ट होगा, यहाँ पे आई ए मान लेते हैं 3 एम्पियर। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाइएगा अगर आप, तो ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे 6 एम्पियर है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आप जाते रहिएगा, डायरेक्ट जाइएगा, इसको और ऊपर मैं कर लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम हो गया इसका, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे 100 वोल्ट है, और यहाँ पे जो एम्पियर है ये मान लेते हैं 15 एम्पियर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इसके बाद हमारा क्या होगा, ये रेजिस्टेंस का लाइन है ना, अगर आप रेजिस्टेंस को और इंक्रीज कीजिएगा, तो अभी आपको पता है आई एफ यानी फील्ड करंट बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो एक तरह का ऐसा आएगा सिचुएशन कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा तो ये जो करंट मिलेगा यहाँ पे इस चीज़ को ये नहीं कर पाएगा, यानी सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये लिमिटेड हो जाता है, यानी ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अभी आप इस चीज़ को समझिए सिर्फ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना ना, इसको कहते हैं OCC कर्व। OCC कर्व मतलब ओपन सर्किट कर्व, यानी यहाँ पे अभी हमारा कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। स्टार्टिंग में हम लोग कभी भी लोड नहीं लगाते जब तक कि हमारा जनरेटर जो है पूरा रन, जो भी इसका है रेटेड आउटपुट सप्लाई करने का कैपेसिटी, वहाँ तक नहीं पहुँच जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से ग्राफ को बनाता हूँ, और इस ग्राफ में देखिए मैं चेंजिंग क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा आई एफ हो गया यानी फील्ड करंट, ये हमारा ई जी हो गया यानी जनरेटेड ई एम एफ, और हमारा जो कर्व होगा स्टार्ट यहाँ से होगा क्योंकि हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है जनरेटर के अंदर पहले से ही, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन होगा ये हमारा होगा आर एफ का यानी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएफ को बढ़ा रहे हैं, आरएफ यानी फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा ये जो स्लोप है ये ऊपर की तरफ जाएगा ना। अभी मान लेते हैं इसके बीच में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, 30 डिग्री बन रहा होगा अभी, ठीक है। लेकिन अब स्लोप अगर मैं यहाँ से घींचता हूँ, देखिए ये वाला स्लोप, ठीक है, ये हमारा क्या है, आरसी है। आरसी कहने का मतलब क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसके बीच में और भी मैं कर देता हूँ, ये लाइन हो गया मान लेते हैं ये आर एफ वन हो गया, उसके बाद फिर एक और लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, इसको मान लेते हैं हम लोग आर एफ टू।
तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आर एफ के लिए देखिए, ये मान लेते ओ है, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ए हो गया, मान लेते ए हो गया ही, ठीक है। सबसे पहले ओ बी के लिए देखते हैं, ओ बी, ओ बी ये हमारा जो ओ सी सी, यानी ये हमारा जो कर्व है किसका है, ओपन सर्किट, ठीक है, ओ सी सी कर्व है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वोल्टेज का कर्व है ना, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ये किसको कट कर रहा है, यहाँ पे, यानी इस पॉइंट को मान लेते हैं पी पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस का लाइन है यहाँ पे हमारा बहुत ही नीचे, यानी जो भी हमारा जनरेटेड ईएमएफ है उसके बहुत ही लो वैल्यू पे, यहाँ पे मतलब मान लेते हैं 5 वोल्ट जो मिला इसी को कट कर रहा है, आगे में देखिए ओसीसी कर्व को नहीं टच कर पा रहा है। इसके कारण क्या होगा कि अगर ये जो हमारा रेजिस्टेंस होगा मशीन का, यानी यही रेजिस्टेंस को लेकर के चलेंगे जनरेटर के अंदर, तो इस सिचुएशन में हमारा जनरेटर जो है वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। वोल्टेज बिल्डअप क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कभी बढ़ ही नहीं रहा है, 5 वोल्ट से कभी बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं पे कट करते रहा, ठीक है। दूसरा जो है हमारा आर सी, यानी ओ और सी का जो कर्व है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। ये देखिए ये जो कर्व है ना, ये इस ईजी वाले कर्व को बहुत जगह काट रहा है, यहाँ पे भी 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 काट कर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर मान लेते हैं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा ये यहाँ पे एम है और यहाँ पे मान लेते हैं एन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 2 एम्पियर है और यहाँ पे जो वैल्यू होगा करंट का, सामने सामने स्ट्रेट लाइन करेंगे तो करंट का वैल्यू मिलेगा ना, ये मान लेते हैं 10 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मिलेगा ईएमएफ का, ये क्या करेगा, एक तरह से फ्लैक्चुएट करेगा, फ्लैक्चुएट यानी अप डाउन, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। तो ये जो है हमारा वैसा रेजिस्टेंस है जिसपे कि हमारा जनरेटर जो है वोल्टेज बिल्डअप कर सकता है, ये मैक्सिमम हो गया वैल्यू, ठीक है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अगर आप इससे थोड़ा सा भी आगे लेके चलते हैं, यानी बीच में अगर मैं एक और स्लोप खींच दूँ, यानी ये लाइन खींच दूँ, तो इस बेसिस पे क्या है, ये टच नहीं करेगा, यहाँ भी टच करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। इसीलिए ये जो आरसी है, यानी क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है फील्ड का जिसपे कि हमारा जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप कर सके। और अगर इसके बाहर वाला, यानी ये ओडी, ओडी ग्राफ को समझते हैं, तो ओडी देखिए तो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज होगा यानी जनरेटेड ईएमएफ वो बहुत ही लार्ज होगा। तो इस बेसिस पे हमारा क्या होगा, करंट का वैल्यू यानी आईएफ का वैल्यू बहुत ही लार्ज हो जाएगा, आईएफ का वैल्यू लार्ज होगा तो हमारा फ्लक्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, उस बेसिस पे हमारा जनरेटर एक्साइट हो जाएगा, यानी स्टार्ट हो जाएगा, वोल्टेज बिल्डअप कर लेगा। वही अगर इस पे लेकर चलते हैं तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, ईएमएफ का वैल्यू बहुत ही लार्ज है, तो उस बेसिस पे हमारा ईएमएफ लार्ज है, तो आईए लार्ज होगा, आईए लार्ज होगा तो हमारा आईएफ के अंदर जो करंट जा रहा है वो भी हमारा लार्ज होगा, आईएफ लार्ज है तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो इधर वाला जो पोर्शन है, यानी लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आरएफ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्यों, क्योंकि ये स्लोप जो है ज़्यादा खड़ा है, ठीक है। तो आरसी मतलब क्रिटिकल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होता है किसी भी जनरेटर का जिसपे कि हमारा जनरेटर जो है वोल्टेज बिल्डअप कर सके। ये था हमारा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। अब देखिए ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि ईजी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के ऊपर, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स कट करेगा, यानी d∅dt होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब एक ग्राफ समझ लेते हैं हम लोग स्पीड को लेकर के। देखिए अब हम लोग क्रिटिकल स्पीड को समझते हैं, और क्रिटिकल स्पीड जो होता है इसको हम लोग NCR से डिनोट करते हैं, ठीक है, CR नीचे में लिखा जाता है। देखिए ये हमारा ईजी हो गया, ये हमारा आईएफ हो गया, यानी फील्ड करंट हो गया। अब अभी मैंने बताया कि ईजी जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के ऊपर, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन हो गया, यानी आरएफ लाइन हो गया। और अभी मान लेते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण हमारा जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ये जो ग्राफ मिला ये हम लोग को एन स्पीड पे मिला, ठीक है, एन स्पीड मान लेते हैं 1000 rpm पे मिला। अब हम लोग स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, एन को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी एन अभी मान लेते हैं 700 rpm, ठीक है। तो 700 rpm यानी स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो ईजी भी डिक्रीज हो जाएगा, ईजी डिक्रीज होगा, यानी ये जो ग्राफ भाग रहा है ना ऊपर की तरफ, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये इस तरीके से भागेगा, इस तरीके से। ये एन1 मान लेते हैं, एन1 इक्वल टू 700 rpm।
ठीक है, उसी तरीके से और स्पीड को अगर हम लोग डिक्रीज़ करते हैं, अब यहाँ पे मान लेते हैं 300 RPM, तो 300 RPM में कुछ वैल्यू इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ से सेट करके ऐसे जाएगा, ये मान लेते हैं N2 था 300 RPM। ठीक है, ये जो टेंजेंट बनाता है ना, ये रेजिस्टेंस लाइन के साथ जो भी टेंजेंट बना रहा है, यानी सेट करके जा रहा है, ये हमारा कहलाएगा यही वाला, ये जो N2 है ना, N2 ही हमारा कहलाएगा NCR, यानी क्रिटिकल स्पीड, यानी N2 इक्वल टू क्रिटिकल रेजिस्टेंस, आई मीन क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, यानी अगर इस स्पीड से नीचे, यानी 300 RPM के नीचे स्पीड अगर आप लेते हैं किसी भी जनरेटर के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एनी स्पीड बिलो NCR यानी क्रिटिकल स्पीड, नो वोल्टेज बिल्डअप इज पॉसिबल इन अ DC शंट जनरेटर। ठीक है, ये जो हुआ ना, ये है हमारा, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है कि खासकर क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस के बारे में, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, यानी RC जो होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस से, यानी जो भी हमारा RF है उससे, तभी हमारा वोल्टेज जो है बिल्डअप कर पाएगा जनरेटर। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक समझने के बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, यानी फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है, ये स्पीड पे भी वैरी करता है। स्पीड पे कैसे वैरी करता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो मशीन जितना ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करेगा, यानी स्पीड का वैल्यू हाई होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एक तरीके से हीट होगा। जितना ज़्यादा स्पीड में घूमेगा मशीन, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, हमारा एक तरीके से फ्रिक्शन लॉसेस होगा, बेयरिंग लॉसेस होगा, उस बेसिस पे हमारा विंडेज लॉसेस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हीट होगा। और ये जो हीट जनरेट होगा, ये कहाँ होगा, मशीन के अंदर होगा। मशीन के अंदर यानी जो भी हमारा वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, उसके आसपास होगा, या फिर फील्ड कॉइल के अंदर होगा। तो हीट जब इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जो वाइंडिंग के लिए कॉपर यूज़ कर रहे हैं, यानी जो वायर यूज़ कर रहे हैं, क्या है, कॉपर है, तो कॉपर हमारा क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी, यानी रेजिस्टेंस भी है जो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या, फील्ड रेजिस्टेंस मान लेते हैं पहले, यानी RF का वैल्यू मान लेते हैं पहले 100 ओम था, तो उस बेसिस पे हमारा क्या होगा, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं अब 120 ओम हो गया। ठीक है, 120 ओम, 110 ओम, 125 ओम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको माइंड में दे दिया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा है JB गुप्ता के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि एक हमारा मशीन है, चाहे वो DC मोटर हो या फिर DC जनरेटर हो, जो 6 घंटे से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, और अभी जो इसका रेजिस्टेंस है, यानी स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस था फील्ड का 120 ओम है, अब 6 घंटे के बाद जो उसका रेजिस्टेंस होगा बढ़ेगा या घटेगा, तो वहाँ पे सिंपली आंसर हो जाए इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि हमारा मशीन गर्म हो रहा है, मशीन गर्म होने के कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा सिंपली ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे ये एक्चुअली स्पीड को लेकर के पूछा गया है। ठीक है, ये मैंने MCQ में बताया, तो इस तरह थोड़ा सा माइंड में डाल दिया। चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था, अब थोड़ा सा कुछ MCQ बताना था, तो उसको रहन देते हैं। ठीक है, देखिए, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ ए DC शंट जनरेटर एक्सीड इज क्रिटिकल वैल्यू, कहने का मतलब RF जो है हमारा ये बड़ा है RC से, यानी क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। तो इस सिचुएशन में भी मैंने बताया कि जनरेटर जो है हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा, और वोल्टेज बिल्डअप कब करता है, जब हमारा RC जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए RF से। ठीक है, तभी हमारा वोल्टेज बिल्डअप कर पाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा शंट जनरेटर है जिसका 200 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है 800 RPM पे। ठीक है, तो अब बोलता है कि 1000 RPM पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। देखिए, 800 RPM पे 200 ओम, तो 1 RPM पे कितना होगा, 200/800 होगा, तो 1 0 से 1 0 यानी 1/4 हो जाएगा। तो 1000 RPM पे पूछा है, तो यहाँ पे सिंपली 1000 से गुना कर देंगे, यानी 250 ओम हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, पहला जो था 800 RPM था,
तो और अब जो है 1000 RPM है, तो स्पीड हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। स्पीड इंक्रीज़ होगा तो हमारा मशीन के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा हीट के कारण। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज़ होगा। तो इस बेसिस पे ये भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल तो है ही, ठीक है। और क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस में भी मैंने बताया कि हर एक वैल्यू पर हमारा क्या होता है, ये वाला ग्राफ से हमारा क्या होगा, ये स्पीड जो होता है चेंज करता है, ठीक है। तो ये कैसे चेंज करता है इसको भी समझ लेते हैं। देखें, स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के ऊपर, ठीक है, और फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के ऊपर, यानी IF के ऊपर। अब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, करंट हमारा डिक्रीज होगा, यानी IF डिक्रीज होगा। IF डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। इसीलिए 200 RPM पे हमारा स्पीड क्या था, कम था, लेकिन वही 250 RPM पे स्पीड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लक्स वीक हो गया, फ्लक्स वीक हो गया तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो 3-4 तरह का कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पूरा डीसी मशीन जो कि ख़त्म हो गया आज के डेट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट जो मैं बताना भूल गया था, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डीसी जनरेटर का क्या क्या कंडीशन होता है वोल्टेज बिल्डअप करने का, खासकर शंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हो गया कि RC यानी क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए फील्ड रेजिस्टेंस से, ठीक है, यानी फील्ड सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है उससे। दूसरा है कि अभी मैंने बताया कि डीसी शंट जनरेटर हो या फिर सेल्फ एक्साइटेड कोई भी जनरेटर हो, तो वहाँ पे हमारा रेसिडुअल फ्लक्स होना ही चाहिए एकदम, ठीक है। रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर मान लेते हैं किसी कारण से रेसिडुअल फ्लक्स जो है हमारा, यानी ΦRES जो है 0 हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जो हमारा शंट जनरेटर का फील्ड है ना, उसको हम लोग अलग से बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा फील्ड है, ठीक है, इसको हम लोग अलग से बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और बैटरी से कनेक्ट करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा करंट फ्लो होगा, यहाँ पे हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको जस्ट रिमूव कर देंगे, बैटरी कुछ देर तक लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको रिमूव करेंगे, यानी बैटरी को हटा देंगे। तो उस बेसिस पे हमारा क्या होगा, रेसिडुअल फ्लक्स जो है बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, यानी प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि अभी मान लेते हैं हमारे जनरेटर के अंदर रेसिडुअल फ्लक्स बना हुआ, यानी ΦRES यानी रेसिडुअल फ्लक्स का वैल्यू मान लेते हैं 5 वेबर है, फिर भी अभी हमारा जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, देखिए अभी मान लेते हैं रेसिडुअल फ्लक्स है, तो रेसिडुअल फ्लक्स का जो होगा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो अभी हमारा डायरेक्शन जो होगा फ्लक्स का इस डायरेक्शन में। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि हम लोग जो एक्साइटेशन यानी इसके कारण जो भी हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है, EMF इंड्यूस होने के कारण जो भी करंट मिल रहा है फील्ड के अंदर, यानी जो भी फील्ड करंट मिल रहा है, ये इसके कारण जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना, उसका पोलरिटी जस्ट अपोजिट होगा। कहने का मतलब कि ये हमारा साउथ बनेगा इस करंट के कारण, और ये बनेगा हमारा नॉर्थ, तो इसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में है, यानी मान लेते हैं ये 5 वेबर था पहले से, और इसके कारण हमारा भी मान लेते हैं अप्रोप्रिएट मान लेते 6 वेबर आ गया, ठीक है, 6 वेबर या फिर 5 वेबर या फिर 4 वेबर। तो इसके कारण क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा फ्लक्स माइनस हो जाएगा, माइनस होगा इसका मतलब हमारा फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन होता है कि ऐसे अगर सिचुएशन में हमारा इसके कारण फ्लक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो हमारा फिर से क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे हमारा जनरेटर जो है वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को रिमूव करते हैं और उसका जस्ट पोलरिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है, यानी कनेक्शन चेंज कर देंगे। कहने वाला ये प्लस है माइनस है, तो इस बार हम लोग माइनस और ये प्लस कर देंगे, उस बेसिस पे फिर हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में रेसिडुअल फ्लक्स तो खत्म हो गया, तो फिर से हम लोग को फील्ड वाइंडिंग को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, उसका फिर रेसिडुअल फ्लक्स आ जाएगा, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2-3 क्वेश्चन था इस टॉपिक से, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।